Uh, students, uh, this is the question number 9.17 of uh, exercise of ray optics. Please pause the video and see the question over here, then we discuss the solution of that. This question is related to reflective index and uh, optical fiber. So, here the total internal reflection, optical fiber, and the refraction topic is uh, including this equation. So, carefully read the line of each sentence of this question and then after we see the solution so student as you see in a figure the question is that at which incident angle the refraction happen total internal reflection happen in this optical fiber so here we use the concept of optical fiber what is the concept of optical fiber see the principle of optical fiber is total internal reflection टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल चलता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है इज अ टू कंडीशन इफ एप्लाइड इन एनी सिचुएशन देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज फर्स्ट कंडीशन इज द रे शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम रेयर मीडियम टू सॉरी मीडियम मीडियम टू रेयर ओके इफ द रे इज रिफ्लेक्ट ट्राई टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड द सेकेंड थिंग इज The incident angle should be greater than on critical angle. Critical angle से ज़्यादा incident angle होगा तभी total internal reflection होगा। And दूसरी चीज़ the ray should be transferred from denser to rarer medium, ठीक है? So दो condition होगी तभी total internal reflection होगा। और यहाँ पर optical fibers के अंदर वही होगा, because optical fiber is nothing but application of total internal reflection। Okay? तो देखिए यहाँ पर बोला गया ये है कि at which angle I should to applied ंगल आई सुट अ रे दैट द टोटल इंटर रिफ्लेक्शन है एक्चुअली दो चीज है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो मटेरियल यूज होता है उसके अंदर दो पार्ट है एक कोर पार्ट दूसरा क्लेडिंग पार्ट कोर पार्ट होता है वो डेंसर मीडियम वाला होता है एंड क्लेडिंग पार्ट जो आउटर मीडियम होता है दैट इज रेयर मीडियम सो एज इन क्वेश्चन गिवन द इंडेक्स the index of rare medium is 1.68 1.44 मतलब जो इनसाइड का मीडियम है डेंसर मीडियम उसका इंडेक्स है 1.68 एंड जो क्लेडिंग पार्ट है उसका है 1.44 और एयर मीडियम जो बाहर से हम इंसिडेंट करेंगे रे वो तो एयर मीडियम होगा इन एयर उसका रहेगा वन आई बात समझ में यस और नो सो देर इज अ थ्री मीडियम एक्चुअली यहां पर है वन मीडियम इन वन एयर मीडियम ओके जो कोर पार्ट है कोर पार्ट उसको बोलते हैं हम एन टू एन टू मीडियम एंड क्लेडिंग वाला आउटर क्लेडिंग जो सेफ्टी के लिए यूज होता है एन वन एन टू एंड एन थ्री तीनों का कॉम्बिनेशन हम यहां पर यूज कर रहे हैं लेकिन तीनों की क्या चीज है वो आपको पता होनी चाहिए सो कोर पार्ट डेंसर मीडियम है सबसे ज्यादा डेंसर है उससे लाइटर मीडियम या रेयर मीडियम होगा क्लेडिंग वाला पार्ट तभी इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ना अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं पर happened, तो, suppose, कहां तक है मिनिमम कितना एंगल होगा तब रिफ्लेक्शन होगा यस क्रिटिकल एंगल तो देखिए अगर मैं यहां पर दिस इज द इंसिडेंट लाइन देखिए यहां पर ऑलरेडी रिफ्लेक्शन हो चुका है लाइट जब एंटर करे रही एन वन में से एन टू में ओके okay, अगर मैं यहां पर एक और लाइन खींच दू तो आपको पता चले कि यहां पर एक मीडियम चेंज हो रहा पता चला ना एयर में से लाइट यहां पर एंटर हो रही है नाउ एंटर इनटू कोर पार्ट ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर कोर पार्ट में जाएगी तो रेयर में से डेंसन मीडियम में तो रिफ्रेक्शन होगा टूआर्स द नॉर्मल सो इफ दिस इज द इंसिडेंट एंगल ओवर हियर बिकॉज इंसिडेंट एंगल इज नथिंग बट द एंगल किसके साथ एंगल होगा वह दैट एंगल बिटवीन देखिए दिस इज द नथिंग बट द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ द चेंज द मीडियम दो मीडियम यहां पर चेंज हो रहे दिस इज एयर एंड दिस इज द कोर पार्ट दोनों मीडियम चेंज हो रहे हैं वहां पर यह होगा परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर हमारा कॉलम उसी से साथ जो एंगल बनेगा वो इंसिडेंट एंगल होगा एंड रिफ्लेक्टेड राइट के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज रिफ्लेक्टिंग एंगल आर अंडरस्टूड ओके अब देखिए थोड़ी सी चीज यहां पर देख लेते हैं <coughs> ये रे जो है वापिस इस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ यहां पर दो सरफेस मीडियम चेंज हो रहा है तो वहीं पर अगर वापिस से हम नॉर्मल ड्रॉ करें परपेंडिकुलर लाइन चेंजिंग द मीडियम ओवर हेयर देन दिस इज द इंसिडेंट एंगल एंड दैट इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आर यू गेट इट इंसिडेंट एंगल उसको हम बोलेंगे सपोज आई डैश या आई वन बोल देते हैं आई वन ठीक है सो हियर ऑन सेकेंड रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन मतलब जहां पर एक्चुअली रिफ्लेक्शन होगा इंसिडेंट एंगल आई वन सुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल मतलब उतने जितना भी हो सकता है उससे कम भी चलेगा उतना ही भी चलेगा उससे कम नहीं चलेगा उससे ज्यादा ही चलेगा मतलब दैट शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तभी क्रिटिकल वो जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही होना चाहिए इंसिडेंट एंगल तो एक काम कर लेते हैं क्रिटिकल एंगल क्या है वो तो फाइंड कर ही सकते हैं कौन सा मीडियम है अब यहां पर प्रॉपरली आप ध्यान रखना व्हेन यू फाइंड द क्रिटिकल एंगल देन यू हैव टू यूज अ इक्वेशन साइन सी इज इक्वल टू वन ऑपन एन नॉर्मली हम ये यूज करते हैं लेकिन दैट इज नॉट ओनली एन दैट इज एन टू वन इन ए पार्ट एन टू वन में भी अगर डिटेल में बात करें तो एन टू यहां पर और एन वन आ जाएगा ऊपर अगर वहां पर भी अगर डिटेल में बात करें सो दिस शुड बी अ कोर पार्ट एंड धिस शुड बी अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग पार्ट में ये ये कोर पार्ट होना चाहिए, ये क्लेडिंग पार्ट होना चाहिए। तो कोर पार्ट 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 होना होना चाहिए, चाहिए। तो का इंडेक्स को हम जब आउटर मीडियम रेयर मीडियम एयर होगा तभी यहां पर वन आएगा अदरवाइज वन नहीं आएगा तो ध्यान रखना यहां पर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत है दिस इज दिस्टिंग पॉइंट मिस्टेक होगी यहां पर मिस्टेक होगी ही डेफिनेटली होने वाली है ध्यान रखना है यहां पर ठीक है चलो तो n3 क्या है दैट इज वन अह n3 आई जस्ट 1.44 और n2 क्या 1.68 यहां पर एक शॉर्टकट भी आपको बता दूं अगर आपको ईयर लिखने में मिस्टेक हो जाए तो एक बात याद रखना हाँ, ये इस तरह से भी याद रख सकते हैं डाउट टन एरिया में कोर पार्ट आउटर एरिया में क्लैडिंग पार्ट या यहाँ पर डिनोमीटर में होगा डिनोमीटर 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 दी, 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 डी डी डिनोमीटर मीन डेंसर मीडियम डी 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 याद रखिए डिनोमीटर में क्या होगा डेंसर मीडियम मीडियम डिनोमीटर डिनोमीटर में 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 डेंसर डेंसर न्यूमरेटर न्यूमरेटर मीडियम इस तरह भी याद रख सकते हैं ठीक है डिनोमीटर में डेंसर मीडियम साइंस इज इक्वल टू थियोरिकल पार्ट हमें पता है ये रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है कंसेप्ट हमें पता है लेकिन फिर भी भूल जाते हैं क्यों क्योंकि अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हुआ था तो दो चीज है या तो अच्छी तरह से याद रख लो या समझ के याद रख लो जो भी आप समझ लाओ ठीक है तो डिनोमेटर में डेंसर मीडियम आएगा वो बात याद रखनी है आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए तो डेंसर मीडियम पर और दूसरी भी चीज है साइन की वैल्यू ना कभी वन से ज्यादा नहीं आएगी द मैक्म वैल्यू ऑफ साइन इज वन एट अटी डिग्री तो उतना तो है भी नहीं यहां पर तो अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1.44 डिवाइड बाय 1.68 देन यू गेट Uh, 0.85, 0.8571 एंड इसका एंगल हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग टाइम टेबल सॉरी यूजिंग द टेबल ऑफ लॉग टेबल या फिर साइन टेबल कुछ भी आप दे लीजिए तो आपका जो एंगल है वो निकल के आएगा साइन इनवर्स 0.8571 नियर अबाउट 0.8668 होता है ना 0.8668 तभी 60 एंगल आता है तो ये सिक्सटी से तो कमी वैल्यू है सो अगर आप लॉग टेबल से देखेंगे so that is near about, near about 60 या फिर 59 डिग्री। okay, 59 डिग्री सम्थिंग, सम्थिंग होता है तो 59 ले लेते हैं आया, इंसिडेंट एंगल ओवर उससे ज्यादा होना चाहिए मतलब इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट एंगल, इंसिदें एंगल, इंसिदें एंगल, इंसिदें एंगल लेकिन हमें तो यह इंसिडेंट एंगल नहीं करना, है। हमें करना है outer, जो यहां से इंसिडेंट कौन से एंगल पर इंसिडेंट करेंगे तब यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो कोई बात नहीं देखिए यहां पर एक बात हम समझ सकते हैं यह ट्राइंगल हो गया कि नहीं अगर यह परपेटिकुलर लाइन को थोड़ा ओवर खींच दू तो ये ट्राइंगल हो गया एंड दिस इज नथिंग बट रेक्टेंगल ट्राइंगल और नो सो ये रेक्टेंगल ट्राइंगल में कुछ इस तरह से हुआ दिस इज द आर दिस इज द आई वन ये है 90 डिग्री तो ये 90 हमें पता है I1 हमने फाइंड कर लिया तो R फाइंड कर सकते हैं ऑफ कोर्स R इज नथिंग बट 90 माइनस I1 और 90 माइनस 59 से ये बड़ा होना चाहिए मतलब 60 ले सकते हैं ठीक है थीके? 60 ले सकते हैं तो हमने 59 लिया 59 से बड़ा तो ये R जो है वो आएगा 30 डिग्री लेकिन 30 डिग्री एग्जैक्टली नहीं 30 डिग्री से छोटा ही आएगा यहां पर तो 31 आएगा एक्चुअली लेकिन 31 से छोटा आएगा 31 31 या फिर 31 से छोटा चलेगा समझ में एक बात क्या किया मैंने 90 माइनस फिफ्टी फिफ्टी नाइन थर्टी लेकिन 31 नहीं है, 31 से थोड़ा कम रहेगा क्योंकि ठीक in, uh, है तो वो ब, बात हमको पता दैट वी नो हियर सो यहां पर भी लिख सकता हूं आई वन सुड बी फिफ्टी नाइन डिग्री ग्रेटर देन फिफ्टी नाइन डिग्री ठीक है चलो अब हमें तो ये बाहर वाला आई चाहिए तो देखिए आर तो मिल गया ये आई फाइन करना तो कर सकते है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं देखिए इस तरह से हुआ है यहां एंगल हियर अ रिफ्लेक्टिव एंगल आर अच्छा दिस इज आर ये आई हमें निकालना है आर हमें पता है दो मीडियम चेंज हो रहे हैं ये सुन लो हियर इज अन वन एंड हियर इज तो यू कैन अप्लाई स्नेल रूल हियर और नॉट यस रिफ्लेक्टिव स्नेल रूल अप्लाई कर तो अकोर्डिंग टू स्नेल्स रो स्नेल रो क्या है एन वन साइन थीटा वन मतलब इंसिडेंट एंगल आई एन टू साइन आर मतलब इंसिडेंट एंगल आर ठीक है अब आर तो हमें पता है आई फाइंड करना तो कर सकते हैं साइन आई इज इक्व टू एन टू बाई एन वन साइन आर तो इनटू क्या है कोर वाला 1.68 डिनोमीटर में n1 क्या है n1 इज आउटर मीडियम एयर मीडियम तो 1 हो जाएगा साइन r r कितना था 31 एक्चुअली 30 लेंगे तो पता चलेगा 31 31 30 लेंगे तो भी निकल वाली बात नहीं है साइन i सो so, sin i इस sin 31 यहां पर पुट करेंगे या फिर साइन 30 लेके 0.5 पुट कर सकते हैं आप सो दैट इज नियर अबाउट वो कैलकुलेशन आप करेंगे तो पता चलेगा दैट इज नियर अबाउट जीरो पॉइंट सिक्स 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 जीरो थोड़ा ज्यादा होगा ठीक है तो इसी से अगर एंगल डिफाइन करेंगे दैट इज नियर अबाउट सिक्सटी डिग्री इनसे एंगल कितना आएगा नियर अबाउट सिक्सटी डिग्री ठीक है साइन आई किस तरह से फाइंड करना पता है ना टेबल जो है ना साइन टेबल उसका साइन टेबल में आप दो एक तरफ होगा डिग्री ऊपर रहेगा वो मिनट और सेकंड वाला एक तरफ रहेगा डिग्री और उसके पास में रहेगी फर्स्ट कॉलम होती है वो डिग्री की होती है ठीक है फर्स्ट कॉलम डिग्री की रहती है यहाँ पर वो साले जो मिनट वगैरह है वो रहेंगे यहाँ पर ऐसा होगा टेन डिग्री ट्वेंटी डिग्री थर्टी डिग्री ठीक है और उसकी वैल्यू होगी जीरो पॉइंट फाइव ऐसा करके जीरो पॉइंट एट सिक्स था कि एंगल निकालो इंसिडेंट एंगल जो हमने निकाल लिया है इसके अंदर एक दूसरा क्वेश्चन भी है सेम क्वेश्चन लेकिन दूसरी तरीके से अगर ये क्लेडिंग वाला जो पार्ट है ये क्लेडिंग वाला पार्ट अगर वो ना रहा तो क्या होगा तो देखिए यहां पर पहले आप एक काम कीजिए पूरा जो ये क्वेश्चन है नोट डाउन कर लीजिए फिर इसी क्वेश्चन के अंदर में चेंज करके दूसरा क्वेश्चन दिखा देता हूं किस तरह से सॉल्व करना है फर्स्ट नोट डाउन दिस ऑल क्वेश्चन आंसर ये सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए ओके नोट डाउन इट यह नियर अबाउट सिक्सटी लिखा उसका मतलब पता चला ना सिक्सटी का और सिक्सटी से कम आएगा किस तरह से देखिए अगर ऑप्शन में ऐसा हुआ कि 59 या फिर 58 वगैरह तो कौन सा चूज करना है देखिए क्रिटिकल एंगल था 59 तो उससे बड़ा होगा इंसिडेंट एंगल ऑफ कोर्स अगर इंसिडेंट एंगल उससे बड़ा हुआ आई वन उससे बड़ा हुआ मतलब 60 मानो तो ये 30 आएगा मतलब 31 से कम रहेगा अगर ये 31 से कम रहा तो उसका आंसर जो आएगा वो भी 31 से कम ही आएगा ना ठीक है सो so, जो ये आई है वो लेस देन होना चाहिए सिक्सटी से और ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से ठीक है आगे वाला का जो आंसर था वो अब इसी के अंदर चेंज करते हैं देखिए किस तरह से होगा नाउ सपोज ये आउटर मीडियम है ही नहीं क्लेडिंग वाला पार्ट ही नहीं है जो क्वेश्चन में बताया गया है कि ये क्लेडिंग निकाल दो भाई ये क्लेडिंग हमें नहीं चाहिए इसी से निकाल निकालने क्लेडिंग है ही नहीं अगर क्लेडिंग नहीं है मतलब क्या हुआ पूरा एयर मटेरियल आ गया बाहर बाहर की ओर क्या आ गया मटीरियल ओनली सिर्फ दो हो गए तो ऑल दिस्टम इज देर मेथड इज ना रेयर मीडियम था वो चेंज हो गया वहां पर हो जाएगा इन वन इज इक्वल टू वन ओनली तो क्लेडिंग वाला पार्ट पर एन वन आ जाएगा तो वन वन फोर फोर की जगह पे, यहाँ पर वन आ जाएगा हमें इंसिडेंट एंगल पहले निकालना पड़ेगा ना इंसिडेंट एंगल से हमें क्रिटिकल uh, एंगल से इंसिडेंट एंगल मिलेगा इंसिडेंट एंगल से आर मिलेगा आर से फिर ये आई मिलेगा मेथड इज सेम तो यहां वन पॉइंट सिक्स एट सो जब वो डिवाइड करेंगे फाइव नाइन फाइव टू जीरो पॉइंट फाइव नाइन फाइव टू सो दिसो पॉइंट फाइव नाइन फाइव टू ओके यूज कर सकते हैं एंड देन यू फाइंड दी एंगल क्रिटिकल एंगल तो क्रिटिकल एंगल आएगा तो इंसिडेंट एंगल जो है उससे बड़ा होना चाहिए मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ा डिग्री से बड़ा होगा तो ये ट्राइंगल जो बन रहा था ट्राइंगल उसमें आई हमें मिल गया तो ये आर जो है वो 90 माइनस करके मिल जाएगा कर, जगह पर लेंगे थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री दोनों का सप्रेक्शन करेंगे then you get the answer over here 90 minus 36.5 so that is a 43 point something aega uh, sorry 53 53.5 degree ठीक है आर मतलब उससे छोटा अब उसका इस्तेमाल करेंगे इस इक्वेशन में वापस मतलब इससे 90 से थर्टी सिक्स अगर सब्रैक्ट करेंगे तो एक्चुअली तो फिफ्टी थ्री आना चाहिए लेकिन हमें पता है आर उससे छोटा आएगा तो फिर से स्नेल रो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम जस्ट एंगल यहाँ पर चेंज होगा आर चेंज हो जाएगा फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री ओके तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो गई दैट इज नियर अबाउट फिफ्टी नियर अबाउट फिफ्टी तो ये जो आंसर है ना आंसर ये आपका वन के करीब आएगा पहली बार साइन की वैल्यू वन नहीं आती ओके okay. वन से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है साइन यहां पर नियर अबाउट वन आएगा अगर नियर अबाउट वन आया मतलब कि आपका जो एंगल है दैट शुड बी आई एंगल नियर अबाउट नाइन्टी डिग्री क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा तो हो ही नहीं सकता नियर अबाउट 90 इंसिडेंट एंगल कितना आएगा नियर अबाउट नाइनटी वैसे ये फैक्चुअल है ऐसा हो नहीं सकता ऑप्टिकल फाइबर उसी को बोलते हैं जिसके अंदर एक कोर पार्ट होता है उसके ऊपर क्लेडिंग वाला पार्ट होता है लेकिन ये के लिए क्वेश्चन में बताया गया था कि अगर ऊपर क्लेडिंग वाला पार्ट निकाल दे तो क्या हो सकता है तो ये हो सकता है तो ये होना चाहिए और नाइन्टी का एंगल हमें एडजस्ट करना वो भी डिफिकल्ट है इसलिए तो क्लेडिंग की जरूरत पड़ती है तो इस तरह से ये जो सॉल्यूशन है वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है थॉरटिकल पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये सिर्फ हमें बताने के लिए ये क्वेश्चन में आया गया था कि हमें क्यू क्लेडिंग वाला पार्ट चाहिए कोर पार्ट एंड क्लेडिंग पार्ट कोर पार्ट एंड क्लेड पार्ट दोनों नेसेसरी है तभी वो हमारा ऑप्टिकल फाइबर अच्छी तरह से चल पाएगा ठीक है और एंगल भी हम मेंटेन इजीली कर सकते हैं देखिए आगे वाले आंसर में क्या आंसर आया था आगे वाले क्वेश्चन में सिक्सटी डिग्री जो सिक्सटी डिग्री मेंटेन करना ईजी है नाइनटी डिग्री किस तरह से मेंटेन करेगा नाइनटी डिग्री मतलब

ये हो जाएगा नाइन्टी बात समझ में तब नाइन्टी डिग्री होगा यहां पर इंसिडेंट करेंगे तब देखिए ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली ये रेज तो इस तरह से चला जाएगा बात समझ में तो रिफ्रेक्शन हुआ कुछ कुछ नहीं हुआ सरफेस पे ही रहा ठीक है तो इसकी वजह से ये जो है ना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है थॉरटिकली हमने बताया गया कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल नहीं था थॉरटिकली आंसर आया उसका 90 डिग्री तो 90 डिग्री ऐसे कर नहीं सकते तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज नहीं होगा ऑप्टिकल फाइबर ऑपरेट नहीं कर पाएंगे ठीक है एक अच्छा क्वेश्चन था नोट डाउन कर लीजिए और ऐसा क्वेश्चन एम में भी आ सकता है सो बी केयरफुल ऑन दैट, सो यहाँ पर अगर 90 डिग्री पे इंसिडेंट करेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि सभी जो है ना सभी रेज वो इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगी ठीक है